Hi everyone, welcome to my channel. I'm Chandra and you are watching Nangwal Chandra. So finally video is here कि कैसे आपको अपनी फी पे करनी है RMIT University. पहले ही बता दो, इन डेप्थ सब कुछ बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप कि आपको कितना पे करना है, बैंक कितना पे करेगा, कैसे आपको एग्जैक्टली फी पे करनी है, कैसे आपको एक्नॉलेजमेंट आएगा और क्या क्या प्रोसेस होगा. तो वीडियो लंबी हो सकती है तो पहले ही आपको बता दिया है. अगर आप इंटरेस्टेड हो पूरी वीडियो को देखना, सारी स्टेप्स प्रोसेस समझ में आ जाएगी. इसके अलावा आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा कि कॉन्वेरा एंड एजुकेशन लोन की हेल्प से आपको अपनी फी कैसे पे करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, कभी भी आप अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हो गाइस, तो वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं. या तो आप अपनी फी पे करो एडिशन विद OHSC, और या तो आप अपनी फी सिर्फ ट्यूशन फीस पे करो, OHSC नहीं ऐड करो. अगर आप ऑलरेडी OHSC को ले चुके हो तो आप अपनी फीस सिर्फ ट्यूशन फीस पे करना, उसमें अपना मेडिकल इंश्योरेंस ऐड मत करना. दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो आपको यूनी का ही मेडिकल इंश्योरेंस लेना है तो उसको ही सेलेक्ट करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो. ये सब आपको कहाँ मिलेगा, जो आपका स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल है आपको वहां पे जाना है. वहां पे जाकर के आपको सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट ऑफर करना है. एक्सेप्ट ऑफर करने के बाद नीचे आपकी बहुत सारी डिटेल्स आई, आपका आपसे आपका फुल नेम और आपका कोर्स ड्यूरेशन, आपका एज, डेट ऑफ बर्थ, और इसके अलावा आपका पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह पूछा जाएगा. और ऑप्शन आएगा वेदर यू वांट टू टेक OHSC विद दिस ट्यूशन फीस और नॉट. जो भी आपको सेलेक्टिव लगता है वो आपको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना है. नाउ यू विल बी गेटिंग टू ऑप्शन. एक होता है कि आप अपनी पर्सनल सेविंग्स वगैरह से फी पे कर सकते हैं, दूसरा इज कॉन्वेरा की हेल्प से कर सकते हैं. नॉट एग्जैक्टली एजुकेशन लोन वहाँ पे मेंशन नहीं होता. तो गाइस देखो, मैंने जो फी पे की है वो मैंने एजुकेशन लोन से पे की है, क्योंकि मेरा एजुकेशन लोन था. तो उसके वहां पे एक कंडीशन ये आ गई थी कि बैंक ने ये मना कर दिया था कि हम जो भी फी पे करेंगे वो आपके अकाउंट में डिसबर्स नहीं करेंगे. मींस आप किसी थर्ड पार्टी को पे नहीं करोगे, जो भी करेंगे हम डायरेक्टली फी पे करेंगे. तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो चुका था कि हम पर्सनल अपने अकाउंट से फी पे कर सकते हैं. तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा था कॉन्वेरा. मैंने कॉन्वेरा का प्रोसेस चेक किया, पूरे यूट्यूब पे मुझे कहीं भी नहीं मिला. इंटरनेट पे भी प्रॉपरली मेंशन नहीं था कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या है. किसी से मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपको बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं, अगर आप प्रॉपर नहीं करते हो तो आपकी फी रिफंड आ जाती है, और उसका 7-8 बार फी रिफंड आया. डोंट नो क्या इश्यू था, बट मैं एग्जैक्टली बताती हूँ कि आपको कैसे फी पे करना है. देखो, सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है कॉन्वेरा और एजुकेशन लोन का ऑप्शन. OHSC अगर आप एडिशनल से लेना चाहते हो तो आप खुद से ले लेना, 20-25 हजार रुपए आपके बच जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी OHSC का, वो चेक कर लेना. यूनी का जो OHSC है उसमें 20-25 हजार एक्स्ट्रा है. द सेम इंश्योरेंस जो आप बाहर से खुद से भी ले सकते हो. नाउ यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमें OHSC तो यहाँ से नहीं चाहिए. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? योर नेक्स्ट स्टेप इज गाइस कि आपको ऑफर एक्सेप्ट करके फी पे करनी. अभी क्या है ना, आप या तो खुद से अपने रिसिप्ट जनरेट कर लो या आप आपके एजेंट से बोल लो. रिसिप्ट जनरेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है जब आप नेक्स्ट प्रोसीड करते हो. बेटर है अपने एजेंट से बोलो कि आपको रिसिप्ट जनरेट करके दे कि आपको फी पे करनी है विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेरा, जिसमें आपका मेडिकल इंश्योरेंस ऐड नहीं होना चाहिए. मेडिकल इंश्योरेंस का एक वीडियो मैं आपको नेक्स्ट डे अपलोड कर दूंगी, इसे चेक कर लेना. तो यहाँ पे आपको जो है ना एजेंट वो फी जनरेट करके एक रिसिप्ट दे देगा जिसमें सारी डिटेल्स होती है कि किस बैंक में आपका पैसा जाने वाला है, कितने AUD या USD में जाएगा, सारा अमाउंट वहां पे मेंशन होता है. अब आपको क्या करना है, वो जो रिसिप्ट आपको मिलेगी वो 72-78 आवर्स के लिए ही रहती है. मीन्स 2-3 दिन, उससे ज्यादा नहीं रहती. तो आपको 2-3 दिन में अपनी पेमेंट फुल्ली करनी पड़ेगी, ठीक है, जितना भी ऑफर लेटर में मेंशन है. अब क्या होगा, जब आपको रिसिप्ट मिल गया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वो पेमेंट रिसिप्ट है जो मुझे मेरे एजेंट से मिली थी. और मीनवाइल जब उन्होंने ये पेमेंट रिसिप्ट जनरेट करी थी तो मुझे एक पैरेलली एक मेल आया था RMIT यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपकी रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है, और उसमें ये लिखा था आपका जो फी है वो USD में पे होगा बट आपको रिसिप्ट मिलेगी AUD में. सब कुछ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पैरेलली आप चीजों को समझ के लिंक करते जाइएगा. अब मैंने क्या करा, जो भी ये मेरा रिसिप्ट था वो मैं अपने बैंक में लेके गई, बैंक मैनेजर को प्रोवाइड किया कि दिस इज हाउ वी नीड टू पे अवर फीस विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेरा. तो कॉन्वेरा क्या है ना, कॉन्वेरा इज एक्ट लाइक अ मीडियम बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली आपसे पैसा नहीं ले रही है, वो क्या कर रही है, पहले स्टूडेंट से बोलती है कि आप कॉन्वेरा में जाकर के फी पे करो, उनका अपना एक बैंक होता है, उसके बाद वो जो कॉन्वेरा है वो थर्ड पार्टी है या मीडियम है वो अपना फी पे कर देता है यूनिवर्सिटी को. तो यस, यहाँ पे अगर आप कॉन्वेरा के थ्रू कर रहे हो तो आप रिसिप्ट में देखोगे यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेंगी कि यहाँ पे ये जो बैंक है ना जो कॉन्वेरा की तरफ से मिला वो कुछ लंदन या न्यूयॉर्क वाला है, उसका एड्रेस वहां का है, तो फीस वहां पे होगी. नाउ कंडीशन इज, यहाँ पे गाइस कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको पहले से नहीं पता होगी अगर आप फर्स्ट टाइम फी पे कर रहे हो. दैट इज कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन में अपनी फीस चेक करोगे और उसको AINR में करोगे तो वो कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा, बट जो आपको फीस करनी है वो USD में करनी है. और जितना USD मेंशन किया जाता है कॉन्वेरा की पेमेंट स्लिप में वो डिफरेंट होता है. अगर उसको INR में कन्वर्ट करोगे तो दोनों अमाउंट में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, AUD और USD दोनों का. अगर आप INR करते हो तो उसमें आपको 20-25 हजार का डिफरेंस मिलता है. अब नाउ क्वेश्चन इसके डिफरेंस क्यों है.
फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ये कन्वर्जन रेट आपके लगा देते हैं, प्लस यहाँ पे आपकी दो करेंसी कन्वर्जन होती है, दैट इज पहले AUD से INR, INR से USD, तो जिस वजह से क्या होता है जो कि फी पे होती है ना वो ज्यादा ही पे होती है, मतलब जितनी आप फी पे करने वाले हो वो ज्यादा होगी अगर आप उसको AUD में चेक करोगे। तो आपको अपने बैंक में जाकर के वो स्लिप अपने बैंक मैनेजर को देनी है। तो मेरे बैंक मैनेजर ने ये कन्फ्यूजन उन्हें भी हुआ था कि अब जब हमने लोन पास AUD में किया तो हम USD में पेमेंट क्यों करेंगे, एजेंट से बात करी बट दे आर नॉट एबल टू गिव प्रॉपर आंसर कि क्यों स्टूडेंट ज्यादा अमाउंट बियर कर रहा है, राइट। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यूनी ने ही हमको ये ऑप्शन दिया है तो हमें वो पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, जब आप लोन पे करोगे जैसे यूनियन बैंक में क्या है 15% हमें अपनी तरफ से पे करना पड़ता है होल अमाउंट का, प्लस बाकी वो लोग पे करते हैं। तो मैं आपको पूरा इन डिटेल दिखाऊंगी मैंने कितना पे किया, बैंक ने कितना पे किया, क्या एडिशनल चार्जेस पड़े। उसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आपका अनकंडीशनल है लोन तो यहाँ आपको मिलेगा एक, ये एक रिसिप्ट टाइप का है, एक्चुअली ये पेमेंट रिसिप्ट है 1000 तक की, ये मिली गई है मुझे जो कि मुझे पे करना है वकील को, एडवोकेट को, जिसने क्या करा था मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया था। अगर आपका कोलेट्रल लोन है तो आपके पैसे ज्यादा हो सकते हैं, नॉन कोलेट्रल मीन ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता, 1000 रुपए से चल जाता है। प्लस ये था मेरा पूरा सैंक्शन लेटर, सैंक्शन लेटर में सब कुछ अच्छे से मेंशन था गाइस। और यहाँ पे जो मेरा इंटरेस्ट रेट पड़ा है वो पड़ा है 9.8%, जिसमें मैंने लोन टेन्योर रखा है 216 मंथ एंड जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो 36 है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमने अपने तरफ से गाइस रखा था AUD का, अगर हम INR करेंगे उस हिसाब से हमारा जो 15% बनना था वो 124 बनना था, 1,24,000 करीबन, बट फिर भी 3-4 हजार मैंने ज्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चला था। बट जब एक्चुअल फी पे करने की बारी आई तो वहां पे हमें 20-25 हजार ज्यादा भरना पड़ा और हमें जो अपनी तरफ से पे करना पड़ा वो 1,35,000-36,000 अराउंड करना पड़ा। तो अगर आप फी पेमेंट करने जा रहे हो तो ये अच्छे से याद रखना कि 20-25% का डिफरेंस आएगा तो वो अमाउंट आपको ऑलरेडी पे करके रखना है या अपने अमाउंट में रखना है। प्लस इसके अलावा थोड़ा बहुत हमारा अमाउंट 15% जो मार्जिन था कम हो रहा था वो बैंक एंड ने ही फिर अपनी तरफ से एडजस्ट कर लिया था। बट जो नेक्स्ट पेमेंट हम करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट डिसबर्समेंट होगा, उस टाइम पे हमारी तरफ से मार्जिन ज्यादा होगा, बैंक एंड से थोड़ा सा कम होगा। तो अगर आपका बैंक मैनेजर मना करता है कि USD में पेमेंट नहीं होगी या फिर हम इतना नहीं करेंगे, तो सारी पॉसिबिलिटीज है, आप उनको बोलना। और बच्चों का भी पेमेंट हुआ है मेरे यूनियन बैंक से हुआ है। अब मैं आपको ना प्रॉपर एक पेपर पे मैंने सारा कुछ नोट डाउन किया है, कितना अमाउंट है, कितना मैंने पे किया, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे हुआ है, तो वो मैं आपको प्रॉपर स्लिप की तरह समझाती हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगी। जहाँ पे ना मैंने प्रॉपर सब कुछ नोट कर लिया है एक नोटबुक में, अब मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताती हूँ कि कितना टोटल पेमेंट मेरा हुआ है। तो सबसे पहले जो एजुकेशन लोन था गाइस वो 40 लाख था, मींस जो अप्रूव हुआ था। इसमें जो 2500 चार्जेस है वो एफिडेविट के हैं, वो बैंक आपको बोलता है बनाने को, तो करीबन इतना अमाउंट आपको लग जाएगा। इसमें एडवोकेट की फीस लगती है 1000 की, अगर आपका नॉन कोलेट्रल है तो 1000 ही लगेगा क्योंकि उसमें ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं होती, आपके सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई करने होते हैं। बट अगर आपका कोलेट्रल है, मींस आपकी पूरी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आपसे जो वकील है, मीन एडवोकेट है, वो ज्यादा पैसे ले सकता है। इसके अलावा जो मुझे लोन मिला था 9.8% का मिला था नॉन कोलेट्रल से। तो गाइस ये तो हो गया एग्जैक्टली मेरा लोन पोर्शन, कितना मुझे मिला, कितने परसेंट पे मिला और क्या अमाउंट वहाँ पे मेरा लगा था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी की फीस कितनी थी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप जितना एज्यूम कर रहे हो उतना नहीं होगा, हमेशा उससे ज़्यादा ही जाएगा। यूनिवर्सिटी की फीस थी मेरी ऑस्ट्रेलियन में थी 15,744, ये मैं इसको INR में अगर कन्वर्ट करूँ आज के रेट पे तो ये गाइस ये आ रही है 844,857, 8,44,857। बट जब आप कॉनवेरा में कन्वर्ट करते हो, कॉनवेरा से फी पे करते हो, तो आपको अमाउंट जो पे करना पड़ता है वो USD में पे करना पड़ता है। अगर आप देखो USD में वो ऑलरेडी मेंशन करके देता है, दैट इज 10,255.64, इसका आप INR करते हो तो ये बैठता है 8,53,833.31। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, ये मैंने एजेंट से पूछा था, अगर यूनी की फीस चाहे जो भी हो, लाइक हमारे को फीस जो भी पड़ रही है वो ऑस्ट्रेलियन और USD, उसका दोनों का कन्वर्जन आना चाहिए सेम, मीन्स हमें फीस सेम पड़नी चाहिए। बट नहीं, अगर आप फीस को AUD में करते हो तो कम पड़ती है, और अगर सेम जो उन्होंने मेंशन किया है USD में करते हो तो ज़्यादा पड़ती है। ये जो USD वाला अमाउंट है ये ऑलरेडी कॉन्वेरा में आपका रिफ्लेक्ट होता है, फीस आपको USD में पे करनी है और आपको जस्ट मिलेगी AUD में। तो ये थोड़ा सा कन्वर्जन रेट आपको यहाँ पे बियर करना पड़ेगा, और ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आई, वो मैं अभी आपको नीचे बताने वाली हूँ। तो अगर आपकी जो भी फीस है, फीस में 20-25 हजार एक्स्ट्रा लेके चलना जो भी आप अपने तरफ से दे रहे हो, अगर आपका लोन पोर्शन है यहाँ पे, तो ये फीस आपकी
यूएसडी में पे हुई है, जिस वक्त आपको एयूडी में मिलेगी, बट जिस दिन मैंने अपनी फी पे की थी गाइस, उस दिन ज़्यादा डिफरेंस था। उस दिन एयूडी जो था, मेरी जो फीस थी वो 8,25,000 अराउंड आ रही थी, और यहाँ पे ये 8,54,000 आ रहा था। अभी करेंसी रेट चेंज हो गया है तो फिर से यहाँ पे डिफरेंसेज आ रहे हैं, बट ये समझ जाओ एयूडी में जितनी भी फीस है आपकी, कॉन्वूरा में अगर आप कर रहे हो तो यूएसडी में आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, प्लस आप 20-25 का मार्जिन दे के चल सकते हो। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि हाउ मच अमाउंट वी हैव पेड और कितना अमाउंट बैंक ने यहाँ पे किया। जो टोटल अमाउंट मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ है वो हुआ है 8,57,546, और ये सिर्फ मेरा एजुकेशन लोन की तरफ से हुआ है। आई मीन जो भी मैंने फी पे की वो एजुकेशन लोन के थ्रू की है। इसमें 15% हमारी सेल्फ फंडिंग है और थोड़ा सा हमें बैंक ने दिया। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने और बैंक ने इसमें अपना अपना लाइक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो देखो, ये सबसे पहले आती है सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग की बात करें, हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से अपना 15% रखा था, तो हमने अरेंज किया हुआ था 1,25,000 अराउंड जो हमें बैठ रहा था। बट यूएसडी में फी पे करने की वजह से यहाँ पे अगर आपका इसका 15% करोगे तो ज़्यादा होगा। तो हम पे जितना भी अमाउंट था, लाइक वी हैव 1,33,528 हमारे पास था, ये हमने बैंक को दिया। इसके अलावा इसमें थोड़ा बहुत कम था, क्योंकि 15% हमें मार्जिन अपनी तरफ से देना था, तो वो बैंक ने ही लोन में एडजस्ट करा। जहाँ पे बैंक ने मेरे लोन अमाउंट से कट किया है 7,24,000। तो टोटल सेल्फ फंडिंग हमारी 1,33,528 रुपये रही है, और जो बैंक ने किया 7,24,000 की है। अब बात कर लेते हैं इसमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती है। गाइज, अगर आप यहाँ पे जो भी अमाउंट पे कर रहे हो, आपको यहाँ पे TCS चार्ज भी बियर करने पड़ते हैं। मैं आपको TCS चार्ज बताऊँ, आप कभी भी फॉरेन करेंसी में अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ता है, काइंड ऑफ टैक्स। अगर वो अमाउंट आपका सिर्फ 7,00,000 है, 7,00,000 तक का जीरो टैक्स है, बट अगर 7,00,000 से ज़्यादा है तो आपको उसमें देना पड़ेगा 5% का मार्जिन, जितना भी है। अब जैसे मान लेते हैं टोटल फीस हमारी ये रही, हमने सेल्फ फंडिंग इतनी की और बैंक एंड ने इतनी की है, 7,00,000 तक का हमारा TCS फ्री है, बट 7,00,000 के बाद यहाँ पे फिर भी कितनी फीस जा रही है, 1,57,546 हमारा मार्जिन अमाउंट बच रहा है, जिसमें हमें 5% तक का TCS यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। बट आई डोंट नो एग्जैक्टली इससे कम ही हुआ है जितना हमने एज्यूम किया था। वो बैंक एंड में कभी कभी ऊपर नीचे या डॉलर कन्वर्जन की वजह से हो जाता है, तो हमारा अमाउंट कटा वो अराउंड कटा 2,500 ही कटा, इससे ज़्यादा नहीं कटा। ये इसी में एडेड है, बट मैंने आपको बता दिया कि ये भी एक चार्ज करता है, तो आप ये लेके चलो कि TCS जो चार्जेस है अगर आपके 7,00,000 ऊपर है तो आपको करीबन 5,000 इसके लिए ऐड करना है, प्लस आपकी यूएसडी और एयूडी में डिफरेंस रहता है, तो 20-25,000 आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे लेके चलना है, जितना भी आपने एयूडी से INR में कन्वर्ट किया है। इसके अलावा गाइज, ये जो पूरी फीस है ना गाइज, ये मेरी सिर्फ मेरी ट्यूशन फीस है, इसमें मेरा OHSC इंक्लूडेड नहीं है। OHSC जो है मैंने सेल्फ लिया है, और यहाँ पे आपको एडवोकेट फीस देनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था कि एडवोकेट की फीस होती है 1,000 प्लस, ये आपके अकाउंट से नहीं कटती, ये आपको एडिशनली देनी है, पर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। नाउ नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज OSSC, क्योंकि OSSC की जो अमाउंट हमारे ऑफर लेटर में लिखी है वो बहुत ज़्यादा, वो है 1,500 गाइगेस है। तो अगर आपको उसे कन्वर्ट करोगे तो ये अमाउंट आपको पड़ेगा 83, 84, 85 भी पड़ सकता है, अगर डॉलर रेट ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें भी आपको अमाउंट ये है कि ज़्यादा या कम हो सकता है। बट मैंने क्या किया, मैंने OSHC यहाँ पे सेल्फ में लिया है, मीन्स खुद से लिया, तो मुझे इसका जो ट्रांजेक्शन अमाउंट पड़ा 62,740। OHSC की कैसे आपको लेना है, सेल्फ कैसे आप खरीद सकते हो, वो मैं एक अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगी, बट यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया OHSC का अमाउंट इतना हमें पड़ा। तो अभी गाइस टोटल OHSC प्लस हमारी फीस अगर हम मिलाएं तो टोटल कितना खर्चा बैठा, टोटल बैठा है 9,20,286 रुपीज। ये हमारा टोटल है जिसमें से हमने सिर्फ इतना खर्च किया, मींस 1,96,268 ये अमाउंट हमने खुद से पे किया है, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर OHSC एंड योर ट्यूशन फीस, और बैंक एंड से जो पेमेंट हुई है वो ये 7,24,000 की। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट कि कितना मैंने लोन लिया था, कितना मैंने सेल्फ फंडिंग किया, कितना बैंक एंड ने दिया है, और क्या क्या आप जब पे करते हो तो क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। ये इसमें ऐड नहीं होगा, ये आपको एडिशनली बाहर से देना पड़ता है, जैसे आप एफिडेविट वगैरह का पे करते हो। OHSC में अगर आप यहाँ पे सेल्फ लेते हो तो आप आराम से यहाँ पे 20-25,000 रुपये बचा सकते हो, तो ये कर लेना। अगर मैं यहाँ से RMIT का ही OHSC लेती, वहाँ पे मुझे ज़्यादा पड़ता, और जो मेरी फीस है ना, जो 9,20,000 है, इसमें आप 20,000 और ऐड कर सकते हो, तो ये हो जाती 9,40,50,000 बैठ जाती। और मैंने जो OHSC लिया है ये सेम है जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो आप ये खुद से कर सकते हो। सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव डन गॉन थ्रू, एंड ये कितना भी प्रोसेस है मैंने आपको सारा बता दिया है। डिटेल वीडियो OHSC की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे दूंगी। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन है कि कितना हमने पे किया,
बैंक मैनेजर डायरेक्टली आपका एक फॉर्म भरेगा, A20 फॉर्म बोलते हैं उसे, A20 फॉर्म वो खुद भरते हैं, आपको कुछ भी फर्क नहीं फील करना वहां जाके। आप अपनी अपनी रिसिप्ट आपको अपने बैंक को देके आनी है, वो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, कुछ वहां पे सिग्नेचर वगैरह आपको करने पड़ेंगे, जैसे ही आप ये कर लेते हो बैंक अपनी तरफ से वो पैसा पे कर देगा, बट वो मेक श्योर करेगा कि जितना भी मार्जिन आपकी तरफ से आना चाहिए कि वो पूरा आ रहा है, और वो जो अमाउंट 15% आपको देना है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, मीन्स आपके सेविंग अकाउंट में वो एड ऑन कर देंगे। और एक चीज मैंने पहले बताई थी कि यूनियन बैंक ने मुझसे 5000 प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया था, चार्ज मतलब पैसे को होल्ड किया था, जब मैं फर्स्ट डिस्बर्समेंट करूंगी तो वो पैसा अनहोल्ड कर देंगे, तो वो 5000 मेरा अनहोल्ड हो गया था जो कि अभी काम आ गया। तो यहाँ पे जब सारा पैसा ऑलमोस्ट बैंक अकाउंट में आ चुका था, हमारी तरफ से थोड़ा बहुत कम हो रहा था तो बैंक ने ही मैनेज कर लिया था, ये सब होने के बाद कुछ सिग्नेचर होने के बाद बैंक एंड की तरफ से सारा हो चुका था और मैं अपने घर आ गई थी। बट नेक्स्ट डे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका जो भी है लोन अमाउंट पूरा हो चुका है, और जितना भी देखो लोन मेरे अमाउंट से कितना बड़ा और एजुकेशन लोन ने कितना पे किया, कितना एडिशन चार्जेस किए, वो मैंने आपको दिखाती है। अब क्या होगा, एक बार आपका लोन पे हो गया, मतलब कि फीस पे हो गई लोन के थ्रू, अब आपको गाइस एक स्विफ्ट कॉपी जनरेट होती है, टीटी कॉपी भी उसे बोलते हैं, तो उसमें ना सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि किसके थ्रू हुआ है, किस बैंक एंड को हुआ है, कितना अमाउंट हुआ है, उसमें हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से हाइड कर दूंगी, तो ये मुझे बैंक एंड की तरफ से मिला। सो वॉट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, अब क्या करना, आपकी फीस पेमेंट हो गई, OHSC आई होप आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है, जब तक आप अपना OHSC नहीं लेते तब तक आपकी फीस पे नहीं होगी, आप कर सकते हो, ज्यादा डिफरेंस मत रखना। मैंने पहले अपनी क्या करा था, डिटेल्स वहां पे सबमिट कर दी थी, और OHSC का जो मेरा सर्टिफिकेट है वो भी मीनवाइल पैरेलल ही आ चुका था। जब मेरे पास बैंक एंड के थ्रू प्रूफ था, मेरे पास मेरा इंश्योरेंस भी था, तो मैंने अपने एजेंट को पास ऑन कर दिया। बट मुझे एक दिन बाद, जैसे मेरी जो फीस कल पे हुई थी, तो आज मुझे एक मेल आया था यूनिवर्सिटी की तरफ से और कॉन्वेरा की तरफ से मिला करके, योर फीस हैज बीन पेड टू द RMIT यूनिवर्सिटी, वो मेल आपको दिख रहा होगा, ये मेल ये कंफर्म करते हैं कि आपका पेमेंट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एजेंट से बोलना है कि मेरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रूफ मेरे तरफ से जो बैंक से आपको मिलता है, प्लस आपका इंश्योरेंस, ये दोनों आपको एजेंट को देना है, वो सबमिट कर देगा आपकी यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद आपको वेट करना है COE का। तो कॉन्वेरा जो हमें लगता था बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये कुछ भी बड़ा प्रोसेस नहीं है, ये नॉर्मल है, ये थर्ड पार्टी है जो क्या करेगी, अपने इन्फॉर्मेशन आपको देगी, अपने बैंक डिटेल्स देगी, और आपको उनके बैंक डिटेल्स में यहाँ पे सारे की सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। ये बहुत सिंपल है, जैसे कि मान लो आप किसी भी बैंक टू बैंक अपना ट्रांसफर करते हो, बट कंडीशन है इसके डायरेक्टली यूनि को पे नहीं होती, ये पहले कॉन्वेरा के थ्रू उनके बैंक में होती है, और फिर कॉन्वेरा आगे प्रोसीड करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा, और गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट क्रिएट करने में, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे फी पे कैसे करें, तो मैंने आपको एग्जैक्ट पूरा सिनेरियो बता दिया, आप भी सिंपल ऐसे ही अपनी फी पे कर सकते हो, और फिर भी अगर कोई डिफिकल्टीज आती है आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस, जैसे ही मेरा COE आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, और आपको वो वाला प्रोसेस भी पूरा बताऊंगी कि कितने दिन में COE आता है। वैसे मेरे एजेंट ने बोला है कि आपको 7 दिन वेट करना पड़ेगा, लाइक एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे, तो ये इनका एक नॉर्मल एंड एवरेज टाइम होता है, किसी किसी को 2-3 दिन में भी अपनी COE मिल जाती है। सो होप कि COE भी जल्दी आ जाए, देन हम आगे प्रोसेस करेंगे। अब आगे सिर्फ एक लास्ट प्रोसेस बचा है गाइज, वो है आपका वीजा का। तो वीजा तब होगा जब आपका COE वगैरह आ जाएगा, एंड एक नेक्स्ट वीडियो कल आने वाला है OHSC पे कैसे आपको सेल्फ उसको बाय करना है, लेकर के आप अपने 20,000 रुपए बचा सकते हो। तो मैंने अपनी पूरी फुल पेमेंट पे गाइज यहाँ पे 20,000 से 25,000 रुपए बचाए थे OHSC में, प्लस प्रॉपर पेमेंट हो गया था, और पेमेंट होने के बाद COE का वेट हो रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।